हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत से कुल मिला के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, इसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं और इसी का हम टेस्ट लेंगे। और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ए ऑप्शन है एक्स एक्स, बी ऑप्शन है वाई वाई, सी ऑप्शन है एक्स वाई, डी ऑप्शन है वाई एक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किसने किया, तो कागज का आविष्कार भी चीन ने ही किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है ललिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं, तो अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है पाई आर क्यूब, सी ऑप्शन है 3 पाई आर, डी ऑप्शन है पाई आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे। तो आप लोग टेस्ट बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है ए मीटर का, सी ऑप्शन है बोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ के सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए ऑप्शन है मंदिर न होने पर, बी ऑप्शन है भक्त न होने पर, सी ऑप्शन है ग्रंथ न होने पर, डी ऑप्शन है मठ न होने पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त न होने पर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होता है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 202। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकले सूरज क्या है। ए ऑप्शन है आग का गोला, बी ऑप्शन है परमाणु बम, सी ऑप्शन है मिसाइल, डी ऑप्शन है रॉकेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो परमाणु बम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है, तो भीखन टोला बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है चतुर्थघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट आप लोग बिल्कुल एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को,
बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं? ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रान को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपचयन की क्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन इससे बाहर निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो भारत में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है, जिस बिंदु पर, उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? ए ऑप्शन है 0 एवं 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 0 एवं अनंत, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु कितना होता है, तो निकट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर।
25 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ है। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। तो जो पथिक था वो लोभ से आकर्षित हुआ, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था। तो कुंती का कर्ण पुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरे रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है काले रंग का, डी ऑप्शन है गुलाबी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, बी ऑप्शन है प्रोटॉन का प्रवाह, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन का प्रवाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे, और आपको 40 में से 40 सही करके दिखाना है। अगर आपका 40 में से 40 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्व अंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो असंभव घटना उसे कहते हैं कि जो घटित नहीं होने वाला है, और जब कोई घटना घटित नहीं होने वाला है तो उसका प्रायिकता कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रिया, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का असली नाम क्या है, कासू है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो जो संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है जनन क्रिया के द्वारा, बी ऑप्शन है नियंत्रण क्रिया के द्वारा, सी ऑप्शन है उत्सर्जन क्रिया के द्वारा, डी ऑप्शन है श्वसन क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं और यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 में से 40 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 40 में से जितना भी सही हुआ होगा, आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आपका 40 में से 35 प्लस सही है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बिल्कुल ऐसी ही आपको तैयारी करने की जरूरत है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 25 से नीचे सही हुआ है, तो उनको और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। और हमारा टारगेट कितना है, तो 480 प्लस का टारगेट है, और ये टारगेट हम ला के रहेंगे, और जितना हमसे हो सकेगा उससे ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और आप लोग भी मेहनत कीजिएगा पढ़ाई में, और जितना पढ़ाते हैं अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं, तो 480 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा गारंटी है। तो जितना आप पढ़ाया जाता है उसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, और उसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक प्रतिच्छेदी आलेख है, तो कितने हल होते हैं। ए ऑप्शन है एक और केवल एक, बी ऑप्शन है कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत हल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें जरूर बताइएगा। एक प्रश्न यहाँ पे हम और दे रहे हैं होमवर्क, अगर आलेख संपाती होगा
तो कितना हल होगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।